तभी वहाँ पर गुल्ली आ जाता है जिसकी भनक ग्रैनी और ग्रैंडपा को मिल जाती है। और फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा जेब से पूछती है कि हमारे घर में कोई आया था, तो जेब बोलता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तभी ग्रैंडपा जेब को एक थप्पड़ मार देते हैं। उसी समय जेब फैसला कर लेता है कि आज खाना में जहर देके दोनों को मार ही दूंगा। तभी जेब ने हॉरर स्टोरी के पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जेब द किलर सोन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, जेब जहर लाने के लिए अपने घर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बुल्ली मिल जाता है। और फिर बुल्ली और जेब ग्रैनी का मर्डर करने के लिए प्लानिंग करते हैं और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब आगे देखिए, जेब द किलर बोलता है अगर हम दोनों को ग्रैनी और ग्रैंडपा को मारना है और बुल्ली और सोन को बचाना है तो हमें घर के अंदर जाना ही होगा। बुल्ली भी फॉर्म में आ जाता है और वो जेब से बोलता अभी चलो इस घर के अंदर, साले को घर में घुस के मारेंगे। जेब और बुल्ली घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता कि सारे लोग गए तो गए कहाँ। जेब बोलता कि मुझे पता है ये सारे लोग कहाँ पर हैं, इस घर के बेसमेंट में, क्योंकि वहीं पे सोन को बेहोश करके रखा गया है। बुल्ली बोलता तो देर किस बात की, चलो जल्दी से हम लोग भी बेसमेंट में चलते हैं। जेब और बुल्ली बेसमेंट में जाने लगते हैं। इधर तो ग्रैनी की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। ग्रैनी की ऐसी डरावनी आवाज सुन के बुल्ली तो डर जाता है और फिर वो जेब से बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है जेब। जेब बोलता कि ये वक्त डरने का नहीं है बुल्ली। और फिर जेब नारा लगाने लगता है गुल्ली बुल्ली मत डरो हम तुम्हारे साथ हैं, गुल्ली बुल्ली मत डरो हम तुम्हारे साथ हैं। जेब की आवाज सुन के गुल्ली भी डर जाता है क्योंकि गुल्ली भी वहीं पर लुका हुआ है लेकिन गुल्ली बाहर नहीं आता। गुल्ली तो सिर्फ एक सही समय का इंतजार कर रहा है। तभी ग्रैनी बुल्ली और जेब के सामने ही आ जाती है। बुल्ली बोलता कि शिकार खुद शिकारी के पास आ गया है। ग्रैनी बोलती है कि अभी हमारे हस्बैंड सुसु करने के लिए ऊपर गए हुए हैं, अगर वो आ गए तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुल्ली बोलता है कि मेरा दिमाग मत सटका, अगर वो बुढ़ा आ गया तो मैं उसके मुंह में ही सुसु कर दूंगा। और फिर जेब तमंचा निकाल देता है और ग्रैनी पे तान देता है। बुल्ली बोलता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ग्रैनी। ग्रैनी हंसने लगती है, लगता है कि जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। जेब बोलता है कि इसे टपका जल्दी से बुल्ली, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। बुल्ली बोलता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तुझे गोली मार दूंगा। जेब बोलता है कि देर मत करो बुल्ली, जल्दी से मार दो गोली और यहाँ से चलो। तभी पीछे से ग्रैंडपा की एंट्री होती है और वो जेब पे चाकू से वार करने लगते हैं। जेब वहीं पे गिर जाता है। अभी बुल्ली जब पीछे देखता है तभी ग्रैनी उसके हाथ से बंदूक को छीन लेती है। अब तो बेचारा बुल्ली अकेला पड़ गया क्योंकि जिस जेब के भरोसे बुल्ली आया था वही दांत चियार दिया है। ग्रैंडपा बोलते कि कोई भी आवाज में बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुमने तो मेरे पत्नी पे बंदूक ही तान दिया है, अब तेरा क्या होगा कालिया। बुल्ली भी रोने लगता है और ग्रैंडपा और ग्रैनी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि ग्रैनी जिस बंदूक से तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था ये नौजवान, उसी बंदूक से इसकी खोपड़ी उड़ा दो। ग्रैनी बोलती है अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, बाय बाय बुल्ली। और फिर ग्रैनी बुल्ली पे बंदूक तान देती है और वो खाली होती है। तभी वहाँ पे गुल्ली की एंट्री हो जाती है। गुल्ली आते के साथ ही ग्रैंडपा को लतिया देता है और फिर गुल्ली भी ग्रैनी को लतिया देता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अभी सोन को बचाने ज्यादा जरूरी है, अपनी खुद की जान बचाएं। दोनों छत पे चले जाते हैं और दोनों बेड के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब बुल्ली ग्रैनी को ढकेला था तो ग्रैनी का सर वहीं पे फट गया था और काफी ज्यादा खून निकल रहा है। ग्रैंडपा ग्रैनी को पहले संभालते हैं और उठाते हैं। बोलते हैं कि अब वो दोनों बचेंगे नहीं, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर ग्रैनी जोर जोर से रोने लगती है और गुल्ली बुल्ली को बद्दुआएं देने लगती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम रो मत ग्रैनी, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं दिख रहे, मेरा मतलब है कि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ग्रैंडपा ग्रैनी को उठाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली को खोजने के लिए ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि ग्रैंडपा ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को खोज लेंगे या फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली को मार के सोन का बिरयानी बना देंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।